पत्थर ये बस, ये हमारे ब्लॉगर फैंटम ब्लॉगर ये बहुत तेरे जो बच्चे ही रख लूँगा कलर भी नहीं ना आपके पास हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, लाइफ में मस्त होंगे। तो आज की नई वीडियो के साथ हम नई शुरुआत करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये फुआरा चौक है, शाम के टाइम इसमें पानी बाहर निकलता है इसलिए फुआरा चौक बोलते हैं। और ये है फुआरा चौक का एरिया, ये चौक है पूरा। और यहाँ पर आने वाला दोस्त, फिर जाएंगे किसी और दोस्त के घर पर हम अभी, तो देखते हैं कब तक आता है। और यहाँ पर आ चुके हैं हमारे गाँव के सुपरस्टार मिस्टर KKP, बहुत ही स्माइल करते हुए। ये जो आप देख रहे हैं मियाँ वाला चौक है मेन। अब यहाँ से हम लेंगे, जिस रोड पे खड़े हैं हम, यहाँ गाड़ी देख रहे हैं, यहाँ से लेंगे गुजराव वाले के लिए टेम्पो और पैदल ही चल रहे हैं। तो क्या कहना आपका? हमारा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि हम ठीक जा रहे हैं। और यहाँ पर हम मुड़ चुके हैं लेफ्ट हैंड की तरफ और सीधे दोनों भाई चल रहे हैं। अब देखते हैं आगे, आपको दिखाते हो गन्ने के खेत। और यहाँ गन्ने भी अच्छे खासे हैं, खा सकते हो। अब फोन करते भाई, पहुंच गए आगे। दाई का हम लोग भाई, हमारे जो भाई मकान मकान है, देखते बिंड मकान है। क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे थे? अब हालत खराब हो गई, हालत खराब हो गई है। वैसी बुखार से भयंकर हालत खराब हो रही है। इतना पैदल चल चल के वैसे लग रहा है चक्कर आने वाले हैं। उठा ले रे बाबा, उठा ले। भटकते भटकते मेन रोड पे आ गए। अब यहाँ से जाना सुभाष एकेडमी पे, फिर वहाँ से आगे देखते हैं। ढूंढ रहे थे सिर्फ शक्ति, जो आपको दे सिर्फ शक्ति इनक्लेव। ये इधर है, हम उल्टी साइड आ गए थे, बैक साइड में। ये फ्रंट साइड है, यहाँ से आना था मेन। ये भी हालत खराब, बीमार बीमार से भेजने यार। अब हम पहुँचने वाले हैं सुभाष एकेडमी पे, फिर उसके बाद आगे की वीडियो दिखाते हैं आपको। हमारे गाइडर जो हैं बहुत ही शानदार, बड़े प्यार से मैं लेके आया आज। बज गए शाम के 4 बजे ना, जोशी मार्च जो। अब तो चाय पीने का टाइम हो गया, अब चाय पीने का टाइम है। गढ़वाली बंद है, चाय चाय सबसे पहले पियेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। ये मैन सुभाष चंद्र बोस एकेडमी, रूट आने के लिए अगली बार याद रहेगा जब भी आएंगे। प्लॉट बिका हुआ है थपलियाल प्रॉपर्टीज, जिसको भी लेना ले सकते हैं। 90 गज का है, 90 गज का, 90 गज का अच्छा खासा, बहुत बढ़िया। रूट सुविधाएं सारी हैं। सिर्फ शक्ति इनक्लेव के ठीक सामने बद्री केदार इनक्लेव, अभी अंदर का रूट। उधर जो था सुभाष एकेडमी मेन प्रसिद्ध, उसके बाद इस गली से अंदर। फाइनली सही रूट पे, सही मार्ग पे आ चुके हैं हम। बड़ी मुश्किल से कठिनाइयों से आए हैं, पहले चलते हुए आप देख सकते हो भाई लोगों को इतना घूमना पड़ा हमें इसकी वजह से जिसको पता भी नहीं है। जब तेरे को पता है ये बंदे की तबीयत ठीक नहीं है तब भी घुमा रहा ना ना इधर, तेरे को बोला था यहाँ पे है, ये बंदे इस बंदे की तबीयत ठीक नहीं है, बॉलीवुड वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे इसे, इसलिए इसकी फिल्में नहीं आ रही। जब टेंट लगी हुआ था, टेंट तो कहाँ पर, जहाँ टेंट लगा होगा वहाँ पर आ जाना। तो हम देख रहे हैं, अब आपको एरिया दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ का एरिया, आरती कुंज बिहारी की, श्री हर कृष्ण मुरारी की। सही है यार, पहाड़ पहाड़ भी है ना, नज़ारा अच्छा है। अब पूछ भाई कहाँ है। और फाइनली हम पहुँच गए हैं ये घर पे, जहाँ टेंट लगा हुआ है। और ये पता नहीं इसको सही रास्ते से बोला, ये इस खेत के रास्ते से मुझे लेके जा रहा है और किसी के खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है। देख रहा हूँ खेत चारों तरफ खेती खेत है, बड़ा मोल इजने वाल। यो शाबाश, फाइनली पहुंच गए धीरे धीरे करके नजदीक। और कोई हमें लेने नहीं आया, सब GPS के थ्रू चलता रहा। भाइयों का प्यार घर क्या हमारे ने है लगाना चौकन माने यो चा है टैंड यो थोड़ी सुन घर अभी योल घर में
डबल मंजिल इसके लिए ना गरुड़ पुराण में कोई अलग ही सजा है। भाई सुन जरे, मैंने तुमको फोटो भेजी थी, वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे। हाँ बेटा उस वो देख ले, वहाँ तक पहुँच गए, वहाँ तक तो पहुँच गए, वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ से सीधा सीधा आना था, फिर कहीं था ही नहीं, कहीं था ही नहीं, ऐसा थोड़ा होता यार। फाइनली वो टेंट पे नहीं था जहाँ हम गए थे, इस साइड है। तो गाइडर भाई हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उन्होंने बहुत चक्कर कटाया और अभी तक सही मकान ढूंढने में सफल हो गया हम। अब सफल हुए हैं, अब मिल चुका है फाइनली, पहुंच चुके हैं हम अपने रूट पे। ये मनीष भाई का घर, कमजोर हो रहा है, बढ़िया बस बस। ये सुमित और मनीष भाई का फैमिली का अपना घर जो यहाँ पर बनाया उन्होंने, ये आप देख रहे हो नज़ारा। और इसके आसपास का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये नज़ारा है यहाँ का आगे का जो आप देख रहे हो। यहाँ पर भाई लोगों ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद सीधे ऊपर निकलते हैं। यहाँ पर सुमित भाई अपना यहाँ दाजी लेटे हुए, अभी दोस्त लोग ऊपर वाली मंजिल पे गए हैं तो हम भी यहीं पर जाएंगे खाना पीना खा के। खाना हमने खा लिया, अब सीधे चलते हैं ऊपर। चलो 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 चलो। अरे हमारे भाई लोग बातचीत करते हुए, घोर बातचीत करते हुए, बड़ी चर्चा चल रही है, ये डिसाइड करें हम यहाँ पर मकान लेंगे। पता है मेरे को यार, क्या बात कर रहे हो यार, की ये तो जगह रिजॉर्ट बन रहा है। अरे वहाँ का भी दिखा ले भाई लोग, वहाँ वो करके थे पानी के साथ में। तो ये हमारे जो दो भाई लोग आए थे वो आज यहाँ इस वाली शादी में पहुँच गए थे गलती से, तो उन्हें कॉल करके बुलाना पड़ा, तो उनको बताना पड़ा कि लोकेशन ये है, तो वो गलती से उस लोकेशन में पहुँच गए थे। तो फिर उसके बाद हम उन्हें लेने गए थे वहाँ पे, और जो आज का समारोह था वो यहाँ पे हुआ था, भाई लोगों का उद्घाटन, घर का उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था हो रखी थी, टेंट वगैरह हट चुका है यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे अभी गांव जैसा माहौल चल रहा है, खेतों में काम कर रहे हैं माताएं बहनें हमारी, और ये मकान बन रहा है नया। और ये हमारे नीरज कौर जो हमारे बड़े भाई हैं, तो ये आपको इंटरव्यू देने वाले एक बढ़िया आने के लिए सबसे सही रास्ता मैं जो आपको बताऊंगा वो है रायपुर चौक। रायपुर चौक से आप रिक्शा आता है, वो आता है गुजरावाला चौक तक, वहाँ से दुनाली जो है काफ़ी फेमस है, वहाँ से सीधे आना है आपको सिर्फ शक्ति एनक्लेव, वो मेन रोड से बस 2 मिनट की वॉकिंग क्या कहते हैं डिस्टेंस पे है, वहाँ पे आप आसानी से आ सकते हैं, यही सही रास्ता है। नहीं तो आज हमारे भाई लोग आए तो ये सुबह से निकल रहे थे, पूरा देहरादून घूम के आ रहे हैं अब। तो ये हमारे बड़े भाई नीरज गौंड ने आपको एक इंटरव्यू दिया है कि यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ का पूरा एड्रेस आपको बताया है भाई ने। तो हमारे दो भाई ये सामने हैं आए थे, इनको काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पहुँचने में, तो ये काफ़ी भटके भटके आए हैं, ये भटकते मुसाफिर बने हुए हैं। और ये देखिए यहाँ का लोकेशन बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देगा आपको यहाँ पे। बिचारे अब यहाँ से निकलते हुए सुमित भाई के घर से मेन रोड पे चलते हुए भाई लोग दाज पढ़ना भैया नम लोग, और एंड हमारे जो आज सबसे प्रभावित प्लेयर रहे कैप्टन नीरज गौर, काफी हाई सोसाइटी के रहने वाले हैं नेहरू ग्राम के, और 1.5 करोड़ की हवेली है इनकी। ये काफी पॉपुलर हवेली भूतिया बंगला है, और ये हैप्पी भाई इनके नीचे काम करते हैं। हैप्पी भाई भी कर लो भी भाई, वो एक और लोगों को ठोक देगा लाइक। और ठीक ये था बद्री केदार, इनके लिए सुमित भाई के घर के लिए आने के लिए, कि भाई की तबीयत ख़राब है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी हम आए अपने दोस्त के घर में, खातिरदारी अच्छी हुई, उनका नया घर बना था, खाना पीना खाया, अच्छा लगा।
और भाई की तबीयत ख़राब है, हम जाएंगे टेम्पो ऑटो कुछ भी पकड़ते हैं, फिर आपको दिखा दें आगे का रूट। अभी टाइम हो चुका है 5:45 का। ये प्राचीन सिद्धेश्वर माता शिव मंदिर सुमित भाई के घर आने के लिए, और ये यहाँ का मंदिर, गाना बज रहा है, ये एरिया यहाँ का। और ये भाई लोग बैठे हुए हैं गाड़ी पे और सीधा हम निकलेंगे रायपुर की तरफ। इधर नीरी भाई, राहुल भाई, उधर कपिल भाई बैठे हुए हैं प्यार नाल, बैठ के सीधा निकलेंगे रायपुर। जैसे ही पहुँचते हैं रायपुर में फिर आगे की वीडियो शूट करेंगे। और हम सब भाई लोग मैजिक का वेट करते हुए, और जैसे मैंने आपको कहा था शाम के टाइम में फुहारा आपको दिखाऊंगा, शाम के टाइम चलता है, जो नज़ारा आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा, ये फुहारा चौक कहते हैं इसे। अब हम पहुंच चुके हैं कपिल भाई के रूम पे, जो उसका छोटे भाई का रूम है, और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब खाएंगे थोड़ी देर में खाना पीना। तो आज कोई भी अपने घर नहीं गया, मेरी भाई भी यहीं पर है, कपिल और हम और राहुल, चार जने हम यहीं पर हैं। और इधर राहुल भाई अपना जिम करता हुआ, डिप मारता हुआ, ये जिम का लुक है पूरा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जिम कर रहे हैं बड़े प्यार से। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपना प्यार भी बनाए रखने के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना।